हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊं, आई वुड लाइक यू टू नो कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसमें हम आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी फ्रीली अवेलेबल करा रहे हैं। सो आपको कोई भी एक्सपेंस दिए बिना, कोई भी कॉस्ट दिए बिना अगर हमारे मॉक टेस्ट एक्सेस करने हैं तो यू कैन गो चेक आउट दैट टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो विद दैट इन माइंड आज के टॉपिक पे हम आते हैं। इट्स द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ये जो सीरीज़ है एज यूजुअल ये रेलिवेंट रहेगी वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PULB, CVT, CLAT और एनी अदर सच एग्जामिनेशन। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम्स फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सी रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। हमें पता होना चाहिए कि दो जगह पे रिवर्स फॉल करती हैं, या तो बे ऑफ बंगाल में करेंगी या फिर अरेबियन सी में करेंगी। तो बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी करती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड ऑल्सो महानदी कृष्णा एंड कावेरी। सो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स। हम ड्रेनेज पैटर्न्स भी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स के ड्रेन होने के काफ़ी पैटर्न्स बनते हैं। तो साउथ इंडिया में जो रिवर्स हैं वो ज़्यादातर डेंड्रिटिक पैटर्न फॉलो करते हैं। जो डेंड्रिटिक पैटर्न है वो मोस्टली रिवर जो अपना ट्री होता है उसके रूट्स की तरह जो है वो फैलती हैं, लाइक दिस। तो इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स कि साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं वो ज़्यादातर कौन से फॉर्मेट में ड्रेन करती हैं, वो है डेंड्रिटिक पैटर्न में। आगे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वी ऑल नो इट, इट्स गंगा। रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। जो गंगा है बांग्लादेश में एंटर होने के बाद कौन से नाम से जानी जाती है, उसको बोलते हैं पद्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ज्वाइंस द गंगा डायरेक्टली। इनमें से कौन सी नदी गंगा को डायरेक्टली मीट करती है, वो है सोन, और वो कहां करती है? पटना। विच वैली ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन टू मेक डीप रिवाइंस। डीप रिवाइंस कौन सी रिवर बनाती है, वो है चंबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल और डीप रिवाइंस जो है हमेशा इनका कोरिलेटेड क्वेश्चन बनता है। या तो ये पूछ लेते हैं कि डीप रिवाइंस कौन सी रिवर में बनते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि चंबल में क्या बनता है, तो डीप रिवाइंस आंसर रहता है उसका। तो इनकी एसोसिएशन को याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इनमें से ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? तो ब्रह्मणी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये उड़ीसा में है। तो इससे हमारा लेकिन एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, यानी कि वो बे ऑफ बंगाल में जो है मीट करती हैं। लेकिन कुछ ही ऐसी रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग का आप नाम याद रख लें तो आपको ईस्ट फ्लोइंग का नाम ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो वेस्ट फ्लोइंग की हम लिस्ट बनाएंगे। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से कौन कौन सी आती है? शरावती आ गई, माही आ गई, साबरमती आ गई। आगे वाले क्वेश्चंस में हम कुछ और रिवर्स पढ़ेंगे जो कि आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की जो हमें लिस्ट बनानी है वो याद रखनी है। अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। इनमें से गंगा रिवर बेसिन की कौन सी जो रिवर ट्रिब्यूटरी है वो है नॉर्थ कोयल। द गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो गंगा रिवर है कौन से ड्रेनेज सिस्टम के एग्जांपल है, वो है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कौन सी होती है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो नदी है, जो रिवर है, वो सरफेस के हिसाब से अपना जो रास्ता नहीं बनाती है, वो इनफैक्ट जो सरफेस है उसको कट थ्रू कर देती है, जिसकी वजह से वी शेप्ड गॉर्जेस बन जाते हैं और उसकी इतनी फोर्स होती है कि वो सरफेस को काट के आगे बढ़ती है। तो उसका अपना ही जो पैटर्न है चलने का वो बरकरार रहता है बाय इवन ब्रेकिंग और पासिंग
फ्रॉम दी क्रिविसिस ऑफ दी रॉक्स, तो उससे वी शेप गॉर्जेस बन जाती हैं। ये हिमालयन रिवर्स में देखने को मिलता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट गंगा रिवर इज़ अ एंटीसेडेंट ड्रेनेज सिस्टम। सुंदरबन डेल्टा कौन कौन सी रिवर से बनता है? वो बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। ओके, नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है? वो मंदाकिनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पांचों प्रयागों की एक लिस्ट दूंगा जो आपको याद रखनी है। विद विच ड्रेनेज सिस्टम और मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड? मंदाकिनी इनमें से किस ड्रेनेज सिस्टम या मेन रिवर से एसोसिएटेड है? वो है अलकनंदा से। ए, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट एट देवप्रयाग। अब आप टेंशन मत लें क्योंकि ये इतने नए नाम होंगे या फिर इतने डिफ़िकल्ट ऑप्शंस हैं, तो क्या क्या याद रखना है हमें, चिंता ना करें, मैं आपको इसका सलूशन देता हूँ। ये आप प्लीज़ लिस्ट बनाएं मेरे साथ। तो पांच प्रयाग हैं। सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। जो विष्णु प्रयाग है वहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मीट करती है। सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है। उसके बाद आता है नंद प्रयाग। यहाँ पे सेम अलकनंदा प्लस नंदाकिनी मीट करती है। इसके बाद आता है कर्ण प्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा प्लस पिंडर मीट करती है। उसके बाद आता है रुद्र प्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी मीट करती है। इन्हीं में से सवाल बनेंगे। और लास्ट में आता है देव प्रयाग। ये वही है जो अभी हमने देखा। यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी से मिलती है और यहाँ से इसका नाम बनता है गंगा। तो इस कॉन्फ्लुएंस के बाद वो गंगा की फॉर्म में आगे मूव करती है। तो आपको ये जो चार्ट है ये अपना बनाना है और इसको याद रखना है इन दिस ऑर्डर ओनली। पहले विष्णु प्रयाग आता है, फिर नंद प्रयाग आता है, फिर कर्ण प्रयाग आता है, फिर रुद्र आता है, फिर देव आता है। और उनमें कौन कौन सी रिवर्स मिल रही हैं? अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और मंदाकिनी, और लास्ट में अलकनंदा और भागीरथी। ये मिलने के बाद बनती है गंगा रिवर, ठीक है। और इसी में से आप एक क्वेश्चन अगर आता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी चार्ट में से आ जाएगा। आगे चलते हैं। द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम। रिवर यमुना का ओरिजिन पॉइंट क्या है? हम ये सारी रिवर्स का आगे देखेंगे। इसकी मैं एक लिस्ट डालूंगा जो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही निकाले हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, हम हर एक रिवर का एक ओरिजिन पॉइंट और कौन कौन से कॉन्फ्लुएंसेज हैं उनके वो सारे देखेंगे। अभी के लिए यमुना का आप याद रखें। बंदर पूंछ जो है इस जगह से ओरिजिनेट होती है। ये कहाँ है जगह? ये उत्तराखंड में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ज्वाइन रिवर चंबल। कौन सी चंबल से जो ज्वाइन नहीं करती है? इसका आंसर है बेतवा। विच रेंज एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन। जो कौन सी माउंटेन रेंज है यमुना और सोन के बीच में डिवाइड बनाती है? वो कैमूर है। आपको दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। पहले जो है विंध्या हिल्स है, इसके बीच में नर्मदा फ्लो करती है, और यहाँ पे आपको देखेंगे सतपुरा रेंज। जो विंध्यास रेंज का ईस्ट वाला पार्ट है इसका नाम है कैमूर, और जो सतपुरा का ईस्ट वाला पार्ट है इसका नाम है माइकल। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। विंध्यास का जो ईस्टर्न पार्ट है उसका नाम है कैमूर माउंटेन रेंजेस, और जो सतपुरा का ईस्टर्न पार्ट है उसका नाम है माइकल रेंज, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, और इनके बीच में से फ्लो करती है नर्मदा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयस, इनमें से कौन सी हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती है, वो नर्मदा। नर्मदा कहाँ से ऑपरेट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो आगे भी क्वेश्चन आएगा, तब तक आप थोड़ा सोचें, मैं आगे इसका आंसर करूँगा। इन इंडिया यारलोंग ज़ैंगबो जो रिवर है ये चाइनीज़ नाम है, कौन सी रिवर का है, ये ब्रह्मपुत्रा का नाम है। ब्रह्मपुत्रा को जो है यारलोंग ज़ैंगबो बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स टेक्स अ यू टर्न एट नमचा बरवा एंड एंटर्स इंडिया, जो ब्रह्मपुत्रा है वो नमचा बरवा से ऐसे आती आती यू टर्न ले लेती है और फिर इंडिया में एंटर कर जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा इज़ द राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार रिपीट होता है। मजूली जो है ये एक रिवर इन आइलैंड है, यानी कि एक रिवर इस आइलैंड को बनाती है। ये कौन सी रिवर का आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्रा का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, मजूली जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर का आइलैंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर, इंदस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, हमें पता है पाँच हैं, पंजाब हमें पता है उसका नाम, तो ब्यास भी है उसकी ट्रिब्यूटरी, रावी भी है, चनाब भी है, लेकिन तापी नहीं है, सो डी इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ अ ट्रांस हिमालयन रिवर, हमें पता है ज्योग्राफी के लेक्चर में पहले करके आए हैं, पहले ट्रांस हिमालयाज आते हैं, फिर ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, फिर लोअर हिमालयाज आते हैं, और उसके बाद शिवालिक्स आते हैं, राइट। तो ट्रांस हिमालय से कौन सी रिवर आती है, वो है सतलुज। रिवर शारदा ड्रेन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर एंटरिंग इन द प्लेन्स, शारदा का और नाम क्या है, शारदा को काली भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, दामोदर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो हुगली की है। हुगली कहाँ है, कैलकटा में, ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर, सोन रिवर का सोर्स क्या है, सोन रिवर का और नर्मदा का सेम ही सोर्स है, उसका आंसर है अमरकंटक हिल। अमरकंटक जो हिल है ऐसे, उसमें से सोन और नर्मदा दोनों फ्लो करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हैव इट्स सोर्स इन ग्लेशियर्स, कौन सी रिवर का सोर्स जो है इनमें से वो ग्लेशियर्स नहीं है, जो कोसी रिवर है इसका सोर्स ग्लेशियर्स नहीं है। बाकी तो हमने देखा कि यमुना और अलकनंदा मंदाकिनी हमने देख लिया है, ये इन सब का सोर्स जो है ग्लेशियर से ही है। एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज रिवर, इनलैंड ड्रेनेज रिवर का मतलब क्या है, इनलैंड ड्रेनेज रिवर वो होती है जो रिवर फाइनली सी से जाके ओशन से जाके मीट नहीं करती, बट लैंड में ही, इनलैंड ही कहीं सी, इनलैंड ही कहीं लेक वगैरह में आके मिल जाती है। तो जो घग्गर है इस वन सच रिवर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द अपर कोर्स कंटेन्स द फ्रेश वाटर, अपर कोर्स में फ्रेश वाटर है और लोअर पार्ट में सलाइन वाटर है। जो लूनी रिवर है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार्टिंग में फ्रेश वाटर है और समंदर में मिलते मिलते ये सलाइन वाटर हो जाता है। संकोश रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, संकोश रिवर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकोश रिवर कौन सी स्टेट्स के बीच में बाउंड्री बनाती है, वो बनाती है असम और वेस्ट बंगाल के बीच में, सो सी इज़ द राइट आंसर। Which one of the following major rivers basins of India is the shortest in length, length में shortest है and smallest in terms of catchment area, catchment area का मतलब कितना पानी hold कर पा रही है वो। तो जो साबरमती है ये भी एक west flowing river है, मैंने आपको पहले बताया था कि west flowing river की हम list बना रहे हैं, उसमें साबरमती को भी add करें। तो साबरमती जो है वो shortest in length है and smallest in terms of catchment area। In the context of rivers and their tributaries, which of the following pairs is correct? अब हमें tributaries और उनको match करना है। अलकनंदा और पिंडर हम करके आए हैं, मैंने आपको list बनाई है, so this is the right answer. बाकी ये किसकी tributary और ये आप मुझे answer में बताएं, ठीक है? मैं तो आपको answer दे ही दूंगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें इनको पढ़ने की। काबिनी मैं आपको बता देता हूँ, ये कावेरी की है, ठीक है? बाकी आप ढूंढने की कोशिश करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सी करेक्टली मैच नहीं है? गोदावरी की इंद्रावती ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल ठीक है। कृष्णा की भीमा है, लूनी की सुकरी है, ये तीनों ठीक हैं। जो पेन गंगा है ये भी गोदावरी की ही है ट्रिब्यूटरी,
सो बी इज नॉट राइट। अब हमें दोआब्स और रिवर्स को कनेक्ट करना है। दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब यानी कि टू रिवर्स जहाँ पे मीट करती हैं उनके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट को बोलते हैं दोआब। ये देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर बड़ा आसान है। ये दो रिवर्स के नाम को मिला के उन्होंने एक दोआब का नाम रख दिया है। जैसे कि अगर हमें बिस्ट दोआब देखना है तो इसका आंसर होगा ब्यास एंड सतलुज, बी एंड एस, तो इस पे बन गया ए का थ्री। उसके बाद बड़ी दोआब, बड़ी दोआब का मतलब हो गया ब्यास एंड रावी, सो टू, सो ए का थ्री एंड बी का टू, ए का थ्री बी का टू आंसर आ गया अपना। उसके बाद है रचना दोआब, रचना दोआब का क्या हो गया? राबी एंड चिनाब, सो सी का वन। लास्ट है चज दोआब विच इज चिनाब एंड जेहलम, तो उनके नाम को मिला के ही नाम बने हैं, सो ए इज द राइट आंसर। नर्मदा रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से है मैं आपको बता के आया हूँ। नर्मदा और सोन का दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो सेम है, वो है अमरकंटक। विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस, इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है दो माउंटेन रेंजेस के बीच में से निकलती है? मैं आपको बता के आया हूँ, विंध्यास और सतपुरा के बीच में से नर्मदा फ्लो करती है, विच इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नर्मदा को भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर की लिस्ट में ऐड कर लीजिए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्य एंड सतपुरा रेंज, अगेन वही क्वेश्चन पूछा गया बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, नर्मदा इज द आंसर। चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज वेस्ट फ्लोइंग, इनमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? अगेन ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर लिस्ट में इसका नाम ऐड करें, ये है पेरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है? वो है गोदावरी, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है। सो विच रिवर इज कॉल्ड एज दक्षिण गंगा? दैट इज गोदावरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इनमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी नहीं है? तो परियर हमने देख ली कि वेस्ट फ्लोइंग है, ये ऐड कर ली हमने। भारतपुज़ा को भी वेस्ट में ऐड करिए, पंबा को भी वेस्ट में ऐड करिए, तम्रपर्णी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये तीनों आप ऐड करके याद रख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ द साउथ, गंगा ऑफ द साउथ कौन सी रिवर को बोलते हैं? कावेरी को बोलते हैं। विच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो हमें नॉर्थ से लेकर ऐसे साउथ तक इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले आती है गोदावरी, फिर आती है पेन्नार, फिर आती है कावेरी और फिर परियर, सो ए इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नॉट लोकेटेड, ये नॉट आप याद रखा करें पढ़ने में, इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक, कौन सी नहीं है? सो भोपाल जो है वो रिवर बैंक पे नहीं है, बाकी जो तीनों सिटीज़ हैं ये रिवर बैंक्स पे मिलती हैं। द प्लेस लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, ये हम करके आए हैं, मैंने आपको करा दिया है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, सो डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड अलोंग द मंदाकिनी रिवर, कौन सी जगह मंदाकिनी रिवर पे फॉल नहीं करती है? गौरीकुंड भी उसी पे करती है, रामबाड़ा भी करती है, गुप्तकाशी भी करती है, गोविंद घाट जो है वो नहीं करती है मंदाकिनी रिवर पे फॉल। सो गोविंद घाट कौन सी रिवर के बैंक पे है? अलकनंदा की। द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ दीज रिवर, विजयवाड़ा जो सिटी है वो कौन सी रिवर के बैंक पे मिलती है? वो मिलती है कृष्णा के। पैठन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर पे है? ये गोदावरी पे है, डी। बीकानेर कनाल कौन सी रिवर से बनी है? वो है सतलुज। कृष्णा राजा सागर डैम ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है? ये कावेरी रिवर पे बना हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई पेपर्स में आ चुका है पहले। अब हमें रिवर बेसिन और उनके टाउन्स को मैच करना है। भागीरथी उत्तरकाशी, अलकनंदा पौड़ी, नायर लैंसडाउन, लैंसडाउन उत्तराखंड में है, गंगा नरेंद्र नगर।
सो इसका क्या बनेगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, विच इज आंसर बी. एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द चिलिका लेक लोकेटेड. सो चिलिका लेक कौन से कोस्ट पे है, वो नॉर्दर्न सरकार कोस्ट पे है. आपको ये याद रखना है, नॉर्दर्न सरकार जो है ये प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला एरिया जो कोस्ट है उसको हम नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं. कर्नाटका कोस्ट, एज द नेम सजेस्ट, कर्नाटका की कोस्ट जो कोस्ट है उसको बोलते हैं. मालाबार जो बोलते हैं वो केरला वाला जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं. जो कोंकण है जो महाराष्ट्र वाला है और कर्नाटका का कुछ हिस्सा आता है इसमें, उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं. आगे चलते हैं. वॉट इज द नेम ऑफ द लेक बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टिक रीजन. कौन सी लेक बनती है इन दोनों रिवर्स के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है. कोल्लेरू लेक जो है कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के बीच में बनती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, इनमें से आर्टिफिशियल लेक कौन सी है. कोडाई कनाल जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, वो तमिलनाडु में है. कायल क्या होता है, कायल इज द नेम ऑफ द बैक वाटर लगून्स इन केरला, वेरी इंपॉर्टेंट. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाटरफॉल इज नॉट ऑन द रिवर नर्मदा, इनमें से नर्मदा रिवर पे कौन सा जो वाटरफॉल है वो नहीं है. भालकुंड जो है वो नर्मदा पे नहीं है, लेकिन आप इनकी लिस्ट ज़रूर बना दें कि नर्मदा पे कौन कौन से वाटरफॉल है. कपिल धारा है, दुग्ध धारा है एंड धुआं धारा है. लेक सांबर इज नियरेस्ट टू विच सिटी ऑफ राजस्थान, सांबर लेक जो है कौन सी शहर के नज़दीक है, वो जयपुर शहर के नज़दीक है. डल लेक इन कश्मीर इज विच टाइप ऑफ अ लेक, जो डल लेक है वो ग्लेशियर लेक है. ग्लेशियर लेक का मतलब कि ग्लेशियर से बनी हुई है. शिवासमुंद्रम फॉल्स इज लोकेटेड ऑन रिवर, शिवासमुंद्रम फॉल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये. शिवासमुंद्रम फॉल जो है वो कावेरी रिवर पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन गोवा, गोवा में कौन सी फॉल्स हैं, दूध सागर फॉल्स आर इन गोवा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट किसकी है, कुंचिकल फॉल्स की है. ये कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका. और कौन सी रिवर पे बनता है ये फॉल, वाराही रिवर पे. विच वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज नाइग्रा फॉल्स, किस वाटरफॉल को पॉपुलरली नाइग्रा फॉल बोला जाता है इंडिया में, चित्रकूट फॉल को बोला जाता है. जो चित्रकूट फॉल है ये छत्तीसगढ़ में है और इसकी जो शेप है वो हॉर्स फीट की शेप में है, जो कि नाइग्रा फॉल की शेप भी है, तो उसी से इसी का नाम नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको. अभी हमें मैच करना है. लोकटक जो लेक है मणिपुर में है, बिल्कुल सही है. उदय सागर राजस्थान में है, दिदवाना भी राजस्थान में है. कोल्लेरू हमें अब देख के आए हैं, आंध्र प्रदेश में है. ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर. ये है, हमें लेक्स और लोकेशन को मैच करना है. अष्टमुदी जो है, अष्टमुदी केरला में है. पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है. रूपकुंड जो है वो उत्तराखंड में है और सूरजकुंड हरियाणा में है. सो ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, सो बी इज़ दी राइट आंसर. सो विद दिस वी कम टू एंड फॉर दिस लेक्चर. Please do subscribe and share our videos and also drop your valuable comments. I will see you very soon. Thank you so much.